कहते हैं गिरते हैं शहद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पाकिस्तान पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। पाकिस्तान के झंडे में भले ही चांद का टुकड़ा दिखता हो, लेकिन इसके बस की बात नहीं कि वे चांद पर जाने की कभी सोच भी सके। हालांकि इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का संपर्क विक्रम लैंडर से टूटा तो इमरान के बड़बोले मंत्री आपा खो बैठे। चंद्रयान 2 से संपर्क इसरो का टूटा और बेचैनी पड़ोसी मुल्क को होने लगी। जुबान फवाद चौधरी की लड़खड़ाने लगी। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद को साइंस का ककहरा भले ही ना पता हो, लेकिन चले आए दुनिया के सबसे कठिन मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी करने। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जो काम नहीं आता पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया। जनाब इतनी हड़बड़ी में थे कि इंडिया को एंडिया लिख डाला। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस मंत्री की खूब लानत मलानत होने लगी। लेकिन इनकी बेशर्मी यही नहीं रुकी। पीएम मोदी जिस वक्त इसरो के चेयरमैन P7 और उनकी टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के इस मंत्री ने एक और ट्वीट कर लिखा, मोदी जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कि वे राजनेता की बजाय अंतरिक्ष यात्री हों। लोकसभा को उनसे एक गरीब राष्ट्र के 900 करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए सवाल पूछने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार, लेखक और जाने माने बलोच नेता तारिक फतेह ने फवाद चौधरी के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में फवाद की तुलना कूड़े से कर दी और कहा कि उन्हें चंद्रयान की नहीं बल्कि अपना गधा गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। यही नहीं, फवाद इस ट्वीट को लेकर अपने ही घर में घिर गए हैं। मसलन पाकिस्तानी आवाम ने उन्हें आईना तो दिखाया ही, पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी ट्रोल कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनानत ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, इंडिया के पास ये सब करने के लिए 900 करोड़ रुपए हैं और आपके पास मुफ्त का ट्विटर अकाउंट। इतना ही नहीं, नायला ने एक और ट्वीट करते हुए एक फोटो पोस्ट किया जिसमें फवाद चौधरी को हिसाब किताब करते हुए दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि भारत द्वारा खर्च की गई रकम की गिनती करते हुए फवाद चौधरी। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, फवाद चौधरी अपने छत पर लैंड कर गए हैं। अब जिस देश का अंतरिक्ष विज्ञान भी आतंकवादियों से भरी फौज का मोहताज हो, उसका तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। इसरो ने अंतरिक्ष का परिचय भारत को करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि आतंकवाद से अपना परिचय छोड़ने को तैयार नहीं।